आजकल अच्छे और बुरे लोगों के बीच का फर्क बताना बहुत मुश्किल है। मेरे बारे में जो भी सुना होगा बुरा ही सुना होगा, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि मेरे बगल में खड़े होने से कोई बदनाम हो जाए। संजय दत्त और सनी देओल की अपकमिंग फिल्म बाप फिल्मों को लेकर हुआ बड़ा धमाका। फिल्म की शूटिंग को लेकर आई बहुत बड़ी अपडेट। सनी देओल और संजय दत्त 80s और 90s में बड़ा नाम हुआ करते थे। जब बॉलीवुड में खानों का राज नहीं था तब ये दोनों सुपरस्टार बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज करते थे। 80s और 90s में ये दोनों सुपरस्टार की बहुत ही तगड़ी फैन फॉलोइंग हुआ करती थी। ऐसा नहीं कि उनके फैंस आज नहीं है, आज भी ये दोनों सुपरस्टार को आपको करोड़ों में फैंस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक बात है कि ये दोनों सुपरस्टार अब उतनी बड़ी फिल्मों में नजर नहीं आते जो पहले लेकर आया करते थे। पर अब फाइनली ये दोनों सुपरस्टार ने बॉलीवुड में तगड़ा कमबैक कर दिया है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि सनी देओल ने पिछले साल एक चुप फिल्म रिलीज की थी और वो फिल्म को दर्शक ने काफी पसंद किया था, और इस बार सनी देओल गदर 2 फिल्म को भी रिलीज करने वाले है। ये फिल्म को लेकर बज बहुत ही ज्यादा नजर आ रहा है और लगता है कि ये फिल्म इंडियन सिनेमा में एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इसके अलावा बात करें संजय दत्त की, तो अब संजय दत्त का भी बॉलीवुड से लेकर साउथ तक डंका बजना शुरू हो गया है। KGF चैप्टर 2 में अधीरा के रोल के बाद संजय दत्त अब एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आएंगे। लेकिन सोचिए, जब ये दोनों सुपरस्टार एक साथ एक बड़ी फिल्मों में आएंगे तो क्या धमाल मच सकता है। इतना ही नहीं, ये दोनों सुपरस्टार के अलावा 90s और 80s के दो बड़े और भी सुपरस्टार रहने वाले है, और वो है मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ। यानी कि बाप फिल्मों में टोटल 4 एक्टर देखने को मिलेंगे और ये फिल्म का डायरेक्शन अहमद खान दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि गदर 2 फिल्म रिलीज होने पर तुरंत ही बाप फिल्म की बची शूटिंग को शुरू करने वाले हैं। अर्ली रिपोर्ट्स के माने तो बाप फिल्म की आधे से भी ज्यादा शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। जैसे सनी देओल गदर 2 फिल्म के प्रमोशन से और ये फिल्म रिलीज होने के बाद फ्री हो जाएंगे, सनी देओल तुरंत ही बाप फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। इसके अलावा संजय दत्त के पास तो अभी बहुत सारी फिल्में हैं, तो संजय दत्त अपने समय के शेड्यूल के हिसाब से बाप फिल्म की शूटिंग को भी समय देने वाले है। यानी कि आप बाप फिल्म को अगले साल स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट कर सकते हो। जी हाँ, ये फिल्म अगले साल स्टार्टिंग में रिलीज हो सकती है। इससे पहले ये फिल्म से ट्रेलर, गाने, कई सारी चीजें रिलीज होगी और कई सारे धमाकेदार पोस्टर भी। तो हो जाइए तैयार। बाप फिल्म को लेकर आप कितने एक्साइटेड, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये न्यूज पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें।